दमोह विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अपने चरम पर है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के पक्ष में आम सभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बांदकपुर पहुंचे, जहां मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल सहित कई मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सरकार न चला पाने और 15 महीनों में ही सरकार गिर जाने का दोषी कमलनाथ को ही करार दिया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सभा को संबोधित किया। सभा के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देव जागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का अभिषेक किया। इसके बाद रमाटी स्टॉल पर चाय पीने भी पहुंचे। मुख्यमंत्री की माने तो उन्होंने ऑनलाइन सभा में रमा से वादा किया था कि वे उसकी दुकान पर चाय जरूर पियेंगे। लेकिन मैं भी शिव का सेवक हूं, उनके चरणों का दास हूं। यह बात निकली अभी, यहां के लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, जागेश्वर नाथ धाम व्यापारी संघ और बाकी लोग इन्हें यहां के विकास की बात की। विधायक यहां बैठे केंद्रीय मंत्री हमारे, अब तक जो विकास किया उन्होंने सांसद निधि से किया है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, जो सबको देते हैं उनकी नगरी है बांदकपुर, अत्यंत पवित्र ये क्षेत्र। बांदकपुर केवल बांदकपुर गांव के लिए नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, और इसलिए इसको विशेष क्षेत्र मान के, जैसे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना के विकास करते हैं, जैसे अयोध्या धाम का विकास हो रहा है, वैसे ही जागेश्वर नाथ धाम का विकास किया जाए। तो 14 रत्न निकले, अमृत भी निकल पड़ा, तो अमृत के लिए लड़ाई छिड़ गई देवताओं में और दानवों में, कौन अमृत पिएगा। लेकिन एक चीज और निकली थी, पता है, विष निकला था, विष जहर। अब जहर कौन पिए, ये समस्या थी। कहते हैं जहर के प्रभाव से जब धरती जलने लगी और ये लगा कि अगर ये विष कोई नहीं पिएगा तो धरती खत्म हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब कौन ने वो जहर पिया। भगवान भोले शंकर अपने कंठ में जहर को पी के धारण कर लिया और जहर के प्रभाव से उनका पूरा कंठ नीला हो गया, इसलिए नील कंठ कहलाए भगवान भोले शंकर।